हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम टैली की एक और टीडीएल फाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये टैली की है तो सिंपल लेकिन काफ़ी यूजफुल टीडीएल फाइल। टैली की इस टीडीएल फाइल की मदद से जब भी आप अपनी किसी पार्टी को सेल करते हैं और जब आप उससे पेमेंट को रिसीव करते हैं तो उस पार्टी के लेजर में ही आपको उसके चेक नंबर भी शो हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं ये टैली की कौन सी अमेजिंग टीडीएल फाइल है और आप इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे कर लीजिए। आप यहाँ पर रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही यहाँ पर बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल पर आई टैली, ईवे बिल और जीएसटी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम टैली सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं और आज हम यहाँ पे आपको टैली की एक एडवांस टीडीएल फाइल को लोड करके दिखाएंगे। टैली की इस टीडीएल फाइल की मदद से जब भी आप अपनी किसी पार्टी को सेल करते हैं और उस सेल के अगेंस्ट आप पेमेंट को रिसीव करते हैं तो उसके अंदर आपको एक चेक नंबर डालना होता है, जिससे आपको पता लगता है कि हमारी कौन सी पेमेंट किस चेक के अगेंस्ट है। तो इस टीडीएल फाइल की मदद से हमें उस पार्टी के लेजर में ही सिंपल बाहर ही उस पेमेंट के साथ चेक नंबर भी शो हो जाएंगे। यानी जैसे हम रिसिप्ट की एंट्री करेंगे, उस पार्टी के लेजर को ओपन करेंगे, वहीं पे हमें साइड में शो हो जाएगा कि हमारी कौन सी पेमेंट किस चेक के अगेंस्ट है, सारे चेक नंबर हमें शो हो जाएंगे। तो वही सबसे पहले हम आपको पार्टी का लेजर दिखा देते हैं। उसके लिए हमें से डिस्प्ले में आ जाइए, अकाउंट बुक में आ जाइए और यहाँ से लेजर्स में आ जाइए। तो सिंपल सबसे पहली पार्टी को हम ओपन कर लेते हैं, ऑल्ट F2 से यहाँ पर पीरियड को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे हमने इस पार्टी के अगेंस्ट दो रिसिप्ट्स की एंट्री की हुई है। तो अभी अगर हमें देखना हो कि इस रिसिप्ट्स की एंट्री के अंदर हमारा कौन सा चेक नंबर डला हुआ है तो उसके लिए हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। लेकिन जैसे हम इस टीडीएल फाइल को लोड करेंगे हमें यहाँ पे एक नया ऑप्शन शो हो जाएगा चेक नंबर का और हर रिसिप्ट के आगे उसका चेक नंबर भी हमें शो हो जाएगा, जिससे हमें ये भी पता लगता रहेगा कि ऐसी कौन सी एंट्री जिसके अंदर हमने चेक नंबर नहीं डाला हुआ और बाहर से देख के पता लग जाएगा कि कौन सी एंट्री किस चेक नंबर के अगेंस्ट है। तो सिंपल सबसे पहले आज के इस वीडियो में आपको एक टीडीएल फाइल लोड करके दिखाएंगे और उसके बाद आपको एक नई रिसिप्ट की एंट्री करके दिखाएंगे, जिससे आपको पूरी वीडियो क्लियर हो जाएगी टीडीएल फाइल का वर्क क्या है। तो आइए सबसे पहले हम इस टीडीएल फाइल को लोड कर लेते हैं। तो यह हमारी वो टीडीएल फाइल है जिसका नाम है शो चेक नंबर इन लेजर। इस टीडीएल फाइल को टैली में लोड करने के लिए सिंपल इस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में आइए और सिक्योरिटीज़ वाले टैब में आके यहाँ से इसके फुल नेम को कॉपी कर दीजिए। इसे कॉपी करने के बाद दोबारा से टैली सॉफ्टवेयर में आ जाइए और गेटअप ऑफ टैली में रहते हुए अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप कॉन्फ़िगरेशन वाले विंडो पर आ जाएंगे और यहाँ से सिंपल प्रोडक्ट एंड फीचर्स में आ जाइए। प्रोडक्ट एंड फीचर माने के बाद राइट साइड में कोई ऑप्शन शो हो रहा है मैनेज लोकल TDL, या तो सिंपल इस क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट की F4। इस पर क्लिक करते हैं आप TDL कॉन्फ़िगरेशन वाले विंडो पर आ जाएंगे। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन लोड TDL फाइल एंड स्टार्टअप, इस पर यस कर दीजिए और नीचे वाले ऑप्शन में आपको इस TDL फाइल को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl Alt V। देन आप सिंपल इस TDL कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो को एक्सेप्ट करा दीजिए। इसे एक्सेप्ट कराते हैं, देखेंगे यहाँ पे हमारी TDL फाइल सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। तो आइए देखते हैं कि TDL फाइल हमारी वर्क कर रही है या नहीं। अब इस TDL फाइल का वर्क देखने के लिए हमें दोबारा से उस पार्टी के लेजर में आना होगा। तो आइए हम दोबारा से उस पार्टी के लेजर को ओपन कर लेते हैं, डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक और यहाँ पर लेजर। सबसे पहली हमारी पार्टी थी RMX ऑटो इंडस्ट्री, सिंपल इसको यहाँ पर पीरियड को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारी ये TDL फाइल सक्सेसफुली वर्क कर रही है। यहाँ पे हमें एक नया टैब ओपन हो गया जिसके अंदर हमें लिखा हुआ है चेक नंबर और यहाँ पे जो जो हमारी रिसिप्ट्स की एंट्री है उसके अंदर हमने जो भी चेक नंबर एंटर किया था वो हमें यहाँ पे बाहर से ही शो रहा है। अब हम अपनी पासबुक की मदद से आसानी से देख सकते हैं कि हमारा कौन सा चेक नंबर किस पेमेंट के अगेंस्ट है और अगर हमने किसी एंट्री के अंदर चेक नंबर को एंटर नहीं किया हुआ तो हमें बाहर से ही वो शो हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे एक नई एंट्री करके दिखाते हैं। सिंपल हम रिसिप्ट की एक दोबारा से एंट्री करेंगे। रिसिप्ट की एंट्री करने के लिए सिंपल आप गेटअप ऑफ टैली में रहते हुए अकाउंटिंग वाउचर में आ जाइए, यहाँ से F6 की प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले अकाउंट के अंदर अकाउंट नेम ले लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पर्टिकुलर में पार्टी नेम ले लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमने इससे 1,17,705 रुपये रिसीव करने हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 1,00,000 रुपये रिसीव कर लेते हैं, अगेंस्ट में बिल नंबर डाल देते हैं, सिंपल यहाँ पर हम चेक नंबर को डाल देते हैं, इंस्टॉलमेंट नंबर, और इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। वही देखते हैं अब ये हमारी एंट्री वहाँ पे शो हो रही है और साथ में उसका चेक नंबर शो हो रहा है या नहीं। सिंपल ऐसे डिस्प्ले में आ जाइए, अकाउंट बुक में आ जाइए, लेजर में आ जाइए। तो अब यहाँ पे देखेंगे हमें ये एंट्री यहाँ पे सक्सेसफुली शो हो रही है और साथ में हमने जो चेक नंबर एंटर किया था वो भी हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो टैली की है तो सिंपल लेकिन काफ़ी यूजफुल TDL फाइल।
इस टी डी एल फाइल की मदद से जब भी आप अपनी एंट्री को रिसीव करेंगे, कोई पेमेंट की एंट्री करेंगे, तो उसके अंदर हम जो भी चेक नंबर एंटर करते हैं वो हमें उस पार्टी के लेजर में भी बाहर शो हो जाएगा, और साथ में आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो अगर आप टैली की इस एडवांस टी डी एल फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप उस व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपको व्हाट्सअप के थ्रू टैली कीजिए और बाकी सारी टी डी एल फाइल्स प्रोवाइड करा देंगे। हमारे पास टैली की काफ़ी सारी अमेजिंग टी डी एल फाइल्स हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे आपको टैली, ईवे बिल और जीएसटी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो के अपडेट नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।